हाय, तो देखिए अभी तक हम कुछ CNN आर्किटेक्चर्स के बारे में बात कर चुके हैं। हमने बात की थी लेनेट 5 के बारे में, हम बात कर चुके हैं एलेक्सनेट के बारे में, और हम बात कर चुके हैं VGG के बारे में, VGG 16 इन पर्टिकुलर। आप देखिए, आप इन तीनों नेटवर्क्स को जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन सब में कन्वोल्यूशन लेयर का इस्तेमाल होता है, पुलिंग लेयर का इस्तेमाल होता है, एंड देन फाइनली फुली कनेक्टेड और एक सॉफ्ट मैक्स, बिकॉज हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं किसी नंबर ऑफ क्लासेस पे। तो अब देखिए, एलेक्सनेट में और VGG 16 में देखिए क्या डिफरेंस है। एलेक्सनेट में थी 8 लेयर्स जिनमें पैरामीटर्स लर्न किया जाएगा। VGG 16 में है 16 लेयर्स जिनमें पैरामीटर्स लर्न किए जाएंगे। VGG 19 है, VGG 19 में 19 लेयर्स ऐसी हैं जिनमें पैरामीटर्स लर्न किए जाएंगे। लेकिन आप ये अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि देखिए, इन सब आर्किटेक्चर्स का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता भाई। इनमें वही कन्वोल्यूशन लेयर आएगी, फिर पूलिंग आएगी, फिर आप फुली कनेक्टेड होंगे, एंड देन फाइनली सॉफ्ट मिक्स कर देंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आर्किटेक्चर की जिसने बेसिकली रिवोल्यूशनाइज कर दिया है जिस तरीके से डीप लर्निंग काम करती है उसको, और वो हर जगह वो आर्किटेक्चर काम आ रहा है। तो आपको आज हम बात करेंगे रेजनेट्स की, रेजिडुअल नेटवर्क्स की, ठीक है। तो अब हम देखिए आगे चलते हैं। देखिए, हमारी इंट्यूशन अब क्या बोलती है, एलेक्सनेट में थी 8 लेयर्स, VGG 16 में 16 लेयर्स, VGG 19 में 19 लेयर्स, और इन सब की एक्यूरेसी जो है बढ़ती चली जाती है। तो इसका मतलब देखिए, जो हमारी नॉर्मल इंट्यूशन से भी मैच करता है, और वो ये है कि अगर नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ती चली जाएंगी तो इसका मतलब है कि हमारा आर्किटेक्चर जो है कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, एंड हम ये उम्मीद करेंगे कि ट्रेनिंग सेट पे तो एटलीस्ट उसकी एक्यूरेसी जो है बढ़नी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में देखिए क्या होता है, एक्चुअल में होता है कि जैसे जैसे आप आर्किटेक्चर में ज्यादा लेयर्स लाते चले जाते हैं, ओके, तो आपका एरर जो है वो बढ़ने लगता है। देखिए, हम इसको इस तरीके से बात करेंगे। ये देखिए, ये अपना नॉर्मल जो अभी तक हम जिस प्रकार के कर्व्स बनाते आए हैं, ये वही कर्व्स है जहाँ पे वाई एक्सिस पे तो अपने है ट्रेनिंग एरर, और इधर अपने है नंबर ऑफ इपॉक्स। तो अब देखिए, ये नंबर ऑफ इपॉक्स जो है ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं भाई, 1000, 2000, इनफैक्ट 10000, 20000, 30000, एंड सो ऑन। तो आप ये देखेंगे, देखिए कि 20 लेयर का जो नेटवर्क है उसकी ट्रेनिंग एरर जो है वो 56 लेयर के नेटवर्क से कम है। आमतौर पे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आमतौर पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मैं नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाता हूँ तो जो है मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी या ट्रेनिंग एरर जो है एकदम कम हो जाना चाहिए भाई, क्योंकि हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारे पास अब नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज्यादा है, हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा है, हमारा आर्किटेक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, तो बेसिकली अब हमारा डेटा जो है ओवरफिट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपना जो इवन ट्रेनिंग एरर भी देखिए वो कम लेयर्स के लिए कम है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से चीजें होती हैं कि इधर अगर अपन नंबर ऑफ लेयर्स लेते हैं बजाय इपॉक्स के, ठीक है, और इधर अपना ट्रेनिंग एरर लेते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है कि एक ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ लेयर्स के लिए जो अपना एरर है वो मिनिमम होता है, और जैसे जैसे अपन नंबर ऑफ लेयर्स आगे बढ़ाते हैं तो वो एरर जो है और बढ़ता चला जाता है। देखिए, दिस इज नॉट सेम एज ओवरफिटिंग, ये ओवरफिटिंग नहीं है इसमें, यहाँ पे नंबर ऑफ इपॉक्स नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स है, जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई 20 लेयर्स का जो ट्रेनिंग एरर है वो 56 लेयर से कम है। ये कंप्लीटली काउंटर इंट्यूटिव है। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें यही देखा है कि अगर आर्किटेक्चर को आप कॉम्प्लिकेटेड करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो कम से कम बढ़नी चाहिए, ओवरफिट हो जाए वो अलग चीज है। एंड जब ट्रेनिंग सेट पे ही अच्छा काम नहीं कर रहा है तो ऑफ कोर्स आप ये देख लेंगे कि टेस्ट सेट पे भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी, 20 लेयर का जो न्यूरल नेटवर्क है वो 56 लेयर के CNN से बेटर काम कर रहा है। तो ये कंप्लीटली काउंटर इंट्यूटिव है जो कि इस पर्टिकुलर पेपर में ऑथर्स ने फाइंड किया। अब देखिए, ऐसा किस कारणों से हो सकता है।
एक तो ये इनकी वजह से हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आप लेयर्स को डीप करते जाएंगे तो लॉस का प्रोपगेशन, बैक प्रोपगेशन में जो है ग्रेडियंट जो है वो शुरुआती लेयर्स में उतना अच्छे से नहीं आ पाएगा बिकॉज ऑफ वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अब देखिए जो चीज नहीं समझ में आती है वो ये है कि अपन मान लीजिए जाते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम पे। देखिए ये डायग्राम, देखिए ये डायग्राम भी हमने इस पेपर से लिया है, ये जो सेमिनल पेपर है राइट, एंड ये पर्टिकुलर डायग्राम भी हम इसी पेपर से ही ले रहे हैं। ओके तो अब देखिए अभी आप इसको बिल्कुल भूल जाइए, अभी हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाले। तो अभी हम कंपेयर करेंगे बस इन दो को। BGG 19 में देखिए 19 लेयर्स है एंड ये हम 34 लेयर नेटवर्क की बात करें। प्लेन का मतलब ये है कि ये अपन बस एक के ऊपर एक के ऊपर एक CNN लेयर्स स्टैक करते जाने, उनको बेसिकली एक CNN लेयर को पास किया, फिर दूसरी कन्वोल्यूशन को पास किया, फिर तीसरी कन्वोल्यूशन को पास किया, हम बस ये करते जा रहे हैं। कितनी बार कर रहे हैं ऐसा, 34 ऐसी लेयर्स हैं जो पैरामीटर्स लर्न करेंगी। जो हमने अभी तक जो हमने आर्किटेक्चर्स देखे हैं इंक्लूडिंग VGG, देखिए यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस ये है कि ये पार्ट हमने इसमें नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई फुली कनेक्टेड लेयर्स नहीं है जो 4096 टाइप की हो। कन्वोल्यूशन लेयर्स पे आपने आया, मामला खत्म कर दिया, एवरेज पूल किया और उसको आपने बेसिकली सॉफ्टमैक्स कर दिया। तो यानी कि आपके पास यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स थे बस आपने उन सबको सॉफ्टमैक्स कर दिया है यहाँ, राइट। तो ये जो इंटरमीडिएटरी फुली कनेक्टेड लेयर्स थी ये इस केस में नहीं है। एक आप देखिए इमेज को आपने इनपुट किया है 7x7, तो ये जो 37 प्लेन लेयर प्लेन जिसको हम बोल रहे हैं, इमेज को आपने इनपुट किया, आपने 7x7 कन्वोल्यूशन चलाया 64 फिल्टर्स के साथ में, स्ट्राइड दो, फिर आपने पुलिंग कर दी एंड देन फिर आप कन्वोल्यूशन 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 करते चले गए। हम इनमें से एक की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें है फिल्टर साइज 3x3, आप कन्वोल्यूशन ले रहे हैं और नंबर ऑफ फिल्टर 64 है इसमें आप, और ये सब आप रिपीट कर रहे हैं 6 बार। फिर आपने 3x3 कन्वोल्यूशन लिया, 128 नंबर ऑफ फिल्टर्स लिए, आपने स्ट्राइड दो की ली है एंड देन फिर आप आगे चलते चले गए, आपने सिमिलर रखा आप देखिए सब कुछ, एंड फिर आपने सेम चीज कर दी 256 आप। तो बेसिकली आप जो है अपने आर्किटेक्चर को देखिए, आप अपनी डेप्थ बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, और फाइनली आपके जितने भी नंबर आएगा आप उसको फ्लैटन करके यहाँ पे आप उनका एवरेज पूल करके आप उसको फुली कनेक्टेड से कनेक्ट कर देंगे सॉफ्टमैक्स बेसिकली। VGG 19 और 16 में कोई अंतर नहीं है अदर देन दिस की 16 में 16 लेयर्स है और 19 में 19 लेयर्स हैं। अब ये देखिए मान लीजिए कि ये लेयर्स जो हैं इनको हम फॉर द टाइम बीइंग अभी मान लीजिए इनकी बात नहीं करते हैं, या तो आप मान लीजिए कि ये जो है हमारे नेटवर्क में है ही नहीं, मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। तो अब आप देखिए इमेज, अब हम हर एक लेयर को इस काउंटर पार्ट से देखिए कंपेयर करेंगे। क्या अब आप ये देखिए कि इमेज यहां पे गई, इमेज यहां पे गई, तो ये लेयर हो गई, यहां पे 4 लेयर्स है, यहां पे ये 4 लेयर्स है, यहां पे ये 4 लेयर्स है एंड यहां पे भी 4 लेयर्स है, यहां पे ये 4 लेयर्स है एंड यहां पे ये 4 लेयर्स है। तो अब देखिए आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वाला जो नेटवर्क है ये बड़ा नेटवर्क है, इसमें पैरामीटर्स ज्यादा हैं, तो इसकी एक्यूरेसी जो है एटलीस्ट ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो इसकी कहीं ज्यादा होनी चाहिए इस वाले से, क्योंकि इसमें कम लेयर्स हैं, इसमें ज्यादा लेयर्स हैं, तो ये ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो जो है इससे ज्यादा होनी चाहिए।
नीचे वाले से ज्यादा होनी चाहिए, वीजीजी 19 से ज्यादा होनी चाहिए इसकी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो है इसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी एक्चुअल में इससे ज्यादा ना होके बल्कि खराब हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों नेटवर्क्स में डिफरेंस क्या है। हमने देखिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इन इस लेयर्स को हटाया है, आप चाहें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये देखिए, हमको इस नेटवर्क को कन्वर्ट करना है इस नेटवर्क में। आप मान लीजिए कि ये जो तीन लेयर्स हैं ये कुछ ना करें, ये जो चार लेयर्स हैं ये कुछ ना करें, और ये जो यहां पे इतनी सारी लेयर्स हैं मान लीजिए ये कुछ ना करें। यानी कि अगर एक तरीके से मैं इन नेटवर्क इन लेयर्स को हटा दूं, तो हमने ऊपर वाले नेटवर्क को नीचे वाले नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया है, राइट? तो अब आप देखिए कि ये नेटवर्क इस नेटवर्क में कन्वर्ट आराम से हो पाएगा। हम देख रहे हैं कि आप अगर इस लेयर्स को हटा दें, आप इन लेयर्स को हटा दें, आप इन लेयर्स को हटा दें, तो बेसिकली ऊपर वाला नेटवर्क जो है नीचे वाला नेटवर्क ही है। यानी कि जो इस नेटवर्क ने लर्न किया है एटलीस्ट उतना तो इसको भी लर्न करना चाहिए था। यानी कि जितनी एक्यूरेसी इसकी है नीचे वाले की VGG 19 की, उतनी एक्यूरेसी तो 34 लेयर प्लेन की भी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नेटवर्क अपने आप से ये नहीं समझ पा रहा है कि ये दोनों नेटवर्क जो है सेम है अगर ये लेयर्स को हटा दिया जाए। दूसरे तौर पर आप ये देख लीजिए कि इसका जो आउटपुट है वो मान लीजिए यहां पर दे दिया गया, क्योंकि यही तो है। देखिए पूल करके वो आउटपुट आपने यहां पे दे दिया, फिर इसका जो आउटपुट है वो आपने मान लीजिए यहां पे दे दिया, और इसका जो आउटपुट है वो आपने आगे जाके फुली कनेक्टेड में दे दिया। अगर ऐसा हो जाता है तो 34 लेयर प्लेन इज सेम एज VGG 19। यानी कि ये लेयर्स अगर एग्जिस्ट ना करें तो वो सेम है। लेकिन जब आप ट्रेन करते हैं तो आपका न्यूरल नेटवर्क समहाउ ये बात समझ नहीं पाता है, वो ये नहीं जान पाता है कि अगर मैं इन सारे लेयर्स को जीरो कर दूं, इन सारे पैरामीटर्स को जीरो कर दूं, तो बेसिकली मैं बेटर एक्यूरेसी ला सकता हूं। ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स की वजह से, ये प्रॉब्लम बट ज्यादा है ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम खुद की वजह से। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम भाई अपने ग्रेडियंट डिसेंट जो है उसके बस की बात नहीं है, इतने सारे लेयर्स को संभाल पाना, और इन पर्टिकुलर इन सारे पैरामीटर्स की ऐसी वैल्यू निकाल पाना जो कि सेम या उससे अच्छी एक्यूरेसी दे। इन पर्टिकुलर हम इस पे बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि देखिए जब आप इस पे ग्रेडियंट डिसेंट चलाते हैं तो वो ये नहीं समझ पाता है कि अगर वो इन सब पैरामीटर्स को जीरो कर दे तो वो एटलीस्ट वीजीजी इतनी एक्यूरेसी तो ला सकता है, लेकिन वो तो खराब कर देता है ट्रेनिंग एक्यूरेसी को भी। टेस्ट एक्यूरेसी तो आप भूल जाइए, दूर की बात है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि कोई भी जो डीपर नेटवर्क है किसी भी कम लेयर्स वाले नेटवर्क से वो ज्यादा पावरफुल है, तो वो ज्यादा बेटर एक्यूरेसी देना चाहिए। तो अभी ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आखिर रेजिडुअल नेटवर्क्स या फिर रेजनेट्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू। देखिए अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपके करियर एडवांसमेंट में किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं, तो प्लीज आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।